दोस्तों, यूं तो पौधों को रोज पानी देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके और हरे भरे बन सके। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ऐसा पौधा है जिसको 1972 से पानी ही नहीं दिया गया। आखिरी बार पानी उसको 1972 में दिया गया था और अभी तक उसको पानी ही नहीं दिया गया, लेकिन वह फिर भी जिंदा और हरा भरा है। लेकिन ऐसा कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बंदा डेविड विल्क्स नाम से 1960 में एक बंद बॉटल में एक पौधे को लगा दिया था और उसको आखिरी बार पानी 1972 को दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा है। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण यह है कि उस पौधे का बॉटल के अंदर ही इकोसिस्टम बना हुआ है। पानी भाप बनता है, बादल बनता है और बादल से बरसात उसी पौधे के ऊपर होती है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। और एकमात्र ऐसी चीज है जो उसको बाहर से मिलती है, वो है सनलाइट। सनलाइट की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाता है और ग्रो होता रहता है।